और दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि छात्रों की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद से छात्रों में भारी गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी बीच दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। तीन छात्रों की मौत के बाद अब एमसीडी जागी और बुलडोजर एक्शन हुआ। एमसीडी की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर में पहुंचकर एक्शन में जुट गई है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे में पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली कोचिंग हादसे की शिकार हुई छात्रा श्रेया यादव का शव बीती रात उसके घर अंबेडकर नगर लाया गया। श्रद्धांजलि देने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए टांडा के महादेवा घाट ले जाया गया। श्रेया के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार आस लगाए बैठा था कि बेटी आईएएस बनेगी, लेकिन आ गई बेटी की मौत की खबर। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक ये घटना शाम 6:35 पर हुई। बारिश का पानी अचानक राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में भर गया। इसके पहले कोई कुछ कर पाता, बेसमेंट में श्रेया और दो छात्र अंदर फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बेसमेंट से पानी को पंप से निकालना शुरू किया। एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया। रात को करीब 1 तक तीनों छात्रों के शव बाहर निकाल लिए गए। इस हादसे के बाद जहां एक ओर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर ये मुद्दा सड़क से संसद तक सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दीज थ्री। अब दिल्ली में उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है जो अवैध ढंग से बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस गलती की वजह तीन छात्रों को जान देकर चुकानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पाकिस्तान से